नमस्ते दोस्तों, मुन्नी बिहारी फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए, हमारे बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और ये बैग, तीनों बैग एक चौकी पर रख दिए हैं और उधर ना जाने किधर चले गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं बता दे रही हूँ कि आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारे बच्चों को फरमाइश है। बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि हमारे बच्चे जैसे भी हैं खुश रहें। हम जितने में ही हैं उतने में हम खुश रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इडली। तो हमारे बच्चे बड़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मी इडली बनाइए, इडली बनाइए। तो उसी का रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं इडली कैसे बनाऊँगी। तो मैं अपने तरीके से इडली बनाऊँगी दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी भी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम अभी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है अरवा चावल जिसे मैं कल ही भिंगो कर अच्छे से धोकर वॉश कर और भिंगो कर रख दी थी। तो ये फूल गया है बढ़िया से। और यहाँ पे उसना चावल है जो हम भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं वो। इस तो ये दोनों है आधा आधा केजी, 500-500 ग्राम अरवा चावल, उसना चावल और अरवा चावल। तो ये सब दोनों फूल गए हैं, कल हम डाल दिए थे शाम को। और ये है उड़द का दाल, ये है 250 ग्राम दोस्तों, इसे भी मैं भिंगो कर रख दी थी अच्छा से धोकर कल ही। तो ये भी फूल गए हैं। तो आज मैं जा रही हूँ इन तीनों को चीज़ों को पीस लेती हूँ और पीस करके आज मैं खमीर होने के लिए छोड़ दूँगी। तो कल मैं इडली बनाऊँगी। तो वीडियो मेरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले पीस लेती हूँ, उसके आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, हम पीस कर बैटर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं ये। तो मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस ली हूँ और एक में मिला दी हूँ। और इसे मैं आज रात भर के लिए खमीर होने के लिए छोड़ देती हूँ और कल मैं सुबह इसको दिखाऊंगी कि मेरा कैसा बैटर हुआ है। और तो मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। इसे मैं ढक कर रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आज तीसरा दिन हो गया है। तो ये देखिए मेरा बैटर है जो बढ़िया से खमीर हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये ऐसा ही बैटर में खमीर आना चाहिए इडली बनाने के लिए। तो ये मेरा बैटर बहुत ही परफेक्ट है बनाने के लिए। तो हम चलते हैं इडली बनाने। तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक मिला दूँगी। तो बैटर में मैं थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का ही। और नमक को डालकर अच्छी बढ़िया से मिला लीजिए, पूरा अच्छा से मिला लेते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम दो तरह का इडली बनाने वाले हैं, उसके लिए हम आलू उबाले हुए हैं। तो इसका बहुत अच्छा सा चोखा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आलू का चोखा बना लिए हैं और ये है इडली का स्टीम। तो देख सकते हैं ये चार प्लेट वाला है। तो हम कुकर में बनाने वाले हैं। तो अब हम डाल देते हैं कुकर में पानी। तो हमारा ये स्टैंड है, उसके नीचे तक पानी रहेगा। क्या
तो ये देखिए दोस्तों, एकदम थोड़ा सा पानी लगा है ये स्टैंड इस तरीके से। तो अब हम इसमें तेल लगा लेते हैं, तेल लगाकर अब बैटर भरते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये सब में तेल लगा लेते हैं। तो हमारे पास तेल लगाने वाला नहीं है, तो हम ये नया कतरन है कपड़ा का, उसी से मैं लगा ले रही हूँ। तो सारे में मैं तेल लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम बैटर को बढ़िया से मिला लिए हैं। तो देख सकते हैं मेरा बैटर कितना बढ़िया है। तो अब हम बैटर को भरते हैं इसमें इडली मेकर में। तो इसी तरह से सारे इडली मेकर में हम भर लेते हैं। उधर कुकर में पानी गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम सारे बैटर को स्टीम में भर लिए हैं और अब चलते हैं कुकर में डाल देते हैं। तो देखिए, हम कुकर में लगा लिए हैं सेट और अब हम ढक्कन लगा देते हैं। तो हमें ढक्कन लगाना है बिना सीटी के, और ढक्कन लगाकर, तो ये देखिए हम ढक्कन लगा लिए हैं। तो ढक्कन लगाकर हम 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। उसके आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा इडली कैसा बना। तो देखिए दोस्तों, हमारा 10 मिनट हो गया है। तो हम अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं मेरा इडली बना कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा इडली बन गया है। तो हम देखिए सीख से चेक कर लिए हैं, देखिए मेरा क्लीन निकल रहा है सीख। तो फुला फुला सा मेरा इडली बना है। तो ये देखिए, हमारा इडली बन गया है बहुत ही स्पंजी। तो देख सकते हैं आप लोग ये। तो अब हम एक तरह से और बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम फिर से बैटर को भर रहे हैं स्टीम में। तो ये देखिए, तेल लगा लिए हैं फिर से। तो हम लाल टुकड़ी से तेल लगाए हैं नया कपड़ा से, तो वो हमारा रेड रेड कलर निकल गया है। और अब हम ये आलू का टिक्की बनाए थे ना, वो इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और इसके ऊपर फिर से बैटर डाल देते हैं। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, हम आलू का टिक्की लगाकर फिर से लगा लिए, डाल लिए हैं। अब हम ये कुकर में रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू टिक्की का भी इडली बनके तैयार हो गया है। तो अब मेरे सारे इडली बन गए हैं। तो अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में लिख कर। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ पहले। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा इडली तैयार है। और इडली के साथ हम कोई चटनी या सांभर नहीं बनाया है। सांभर अगले वीडियो में डालेंगे, बनाएंगे। तो हम दही बनाए हैं, जो यहाँ पे इडली के साथ दही जो मिलता है, जो बेचने आते हैं लोग, वो हम बनाए हैं। तो ये रहा मेरा आलू टिक्की वाला इडली, और ये रहा मेरा सादा इडली। तो देखिए, हम सर्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमारे बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ने गए हैं, तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं खुद से कर रही हूँ। तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ सर्व करके।
तो ये देखिए बहुत ही स्पंजी मेरा इडली बना है। तो देखिए ये हम चार टुकड़े में काट लिए हैं, इसे भी काट लेते हैं। एक हाथ से हो नहीं रहा है फिर भी कर रही हूँ। ये देखिए काट लिए हैं हम, और इसे भी काट लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों हम इडली काट लिए हैं, और इडली के ऊपर डाल दीजिए दही। और ये रहा चम्मच, और इसे इस तरीके से उठाकर खाइए। बहुत ही इडली खाने में मज़ा आता है। और बेचने आते हैं तो हमारे बच्चे हमेशा कहते हैं मम्मी इडली ले दो, इडली ले दो। तो आज हम बहुत सारा इडली बनाए हैं, तो हमारे बच्चे भर पेट खाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हमारा इडली का तरीका बनाना कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कुछ अच्छे रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।